आप सिर्फ अपनी बहन के लिए शेर हो, दूसरों की बहन के साथ कोई बदतमीजी करता है, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। कोई अनसेफ फील कर रहा है, अगर सामने दूसरा लड़का कमेंट कर रहा है तो आपको आगे बढ़कर बोलना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज रक्षाबंधन है और आज सोमवार है। हम हर सोमवार सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तहलका भाई ट्रस्ट की तरफ से। वैसे तो हम हर मंडे 100 पैड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आज रक्षाबंधन है, तहलका भाई ट्रस्ट की तरफ से हम लोग जितना भी हमसे हो पाएगा, आज हमें 100 औरतें मिले, 150 मिले, 500 मिले, जितना भी हमसे हो पाएगा हम उन सबको सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये तहलका भाई ट्रस्ट की तरफ से उन लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट है। और जैसे कि आपको पता है, आज रक्षाबंधन है, आपको हर जगह बहन भाइयों का प्यार दिखेगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इनफैक्ट टेलीविजन पे। साल के एक ही दिन हम रक्षा की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आज रक्षाबंधन है, इसलिए। और रक्षाबंधन के बाद क्या आपको देखा है न्यूज में, क्या आता है? कभी किसी डॉक्टर के साथ क्या हो गया है, कभी किसी टीचर के साथ क्या हो गया है, क्यों हो रहा है वो सब? क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं हो। आप सिर्फ अपनी बहन के लिए शेर हो, दूसरों की बहन के साथ कोई बदतमीजी करता है, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हो। आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। कोई अनसेफ फील कर रहा है, अगर सामने दूसरा लड़का कमेंट कर रहा है तो आपको आगे बढ़कर बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी बहन की तरह है। और जितना हक आपकी बहन को सेफ रहने का है, यहाँ पर जीने का है, घूमने का है, फिरने का है, उतना ही हक दूसरी लड़की को भी है। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगी कि आप लोगों के आगे कोई गलत चीज हो रही है तो आप अपनी आवाज उठाओ और उनकी हेल्प करो। सिर्फ एक रक्षाबंधन वाले दिन ही नहीं, और भी दिन, पूरे साल, पूरे वक्त, आप मतलब आपके पास कितने इंसिडेंट होते होंगे, आप इग्नोर कर देते होंगे कि हमें क्या, ये हमारी कौन लगती है भाई। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो कल को आपकी बहन के साथ भी चीजें हो सकती है, तो दूसरा बंदा कैसे आवाज उठा देगा।